दीप्ति जी, आज आपकी फिल्म फुटबॉलर का मुहूर्त हुआ और आप इस फिल्म में काम भी करें, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे इतनी टाइम के बाद मुझे ये जाकर मूवी मिला है, इसमें मैं सेकंड लीड में हूँ। मुझे इस मूवी का बहुत, मैं खुश हूँ उस मूवी को लेकर कि इसके शूट्स कैसे होंगे। और रहा बात कि मेरे को इस मूवी में लायक विनोद सर और मनोज सर की बदौलत मैं इस मूवी पर आई थी, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने बोला बहुत दिनों से आपको इंतजार था, तो कितने दिनों से आपको इंतजार था? आपका एज क्या होगा? 70। अच्छा, फुटबॉलर आपकी पहली फिल्म है, तो किस तरह की तैयारी है इस फिल्म के को लेकर के आपकी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर, और मैं अपना ऑलवेज हमेशा 100% की दूंगी, चाहे जो भी हो जैसा भी हो। आप अपने निर्देशक विनोद कुमार जी और आपके निर्माता जी और मनोज भट्ट जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं ये, इन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इस फिल्म से आपकी कितनी उम्मीद है, क्या अपेक्षाएँ हैं आपकी इस फिल्म से? आपको क्या लगता है इस फिल्म से आपको क्या मुकाम मिलेगा, आप कहाँ तक पहुँचेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है इस फिल्म से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, अगर मैं अपना बेस्ट दूँ तो मैं अपना बेस्ट ही दूंगी। यानी सस्पेंस है कि मैं बेस्ट दूं तो या दूंगी, तो आपको थोड़ा सस्पेंस है कि आप अपना बेस्ट नहीं देंगे? नहीं, सस्पेंस नहीं है, मैं दूंगी। अच्छा, चलते चलते आखिर में आप किसी को थैंक्स या अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी? मनोज सर, विनोद सर, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं यहां। कुछ नहीं बोलना चाहिए, और इस मूवी में जो लीड कर रहे हैं हीरो, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? बहुत अच्छे हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, और बात बाकी तो आप लोग देख ही लोगे। नहीं तो राघवेंद्र जी के साथ आपका ट्विनिंग कैसा है? बहुत अच्छी ट्विनिंग है। अदरवाइज फिल्म में लिप लॉक सीन हुआ तो क्या आप करेंगे?